नारी जनजागृति संस्थान के सानिध्य में शहर के टाटगढ़ रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में चल रही श्रीमद देवी भागवत कथा के पंचम दिवस शुक्रवार को कथा प्रवक्ता साध्वी कमलेश सरस्वती मानस चकोरी ने सती जन्म पार्वती अवतार और शिव विवाह प्रसंग की कथा का रसपान करवाया। कथा पांडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करवाते हुए मानस चकोरी ने कहा कि जब सती जी ने हिमालय राज के यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्म लिया तब जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि ये मैना और हिमालय जी कौन है जिनके की घर में साक्षात जगत माँ जगदम्बा माँ ने जन्म लिया और उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर व्यास जी ने बताया कि पितरों की तीन मानसिक कन्या भगवान नारायण के दर्शन करने आई जहाँ संत शिरोमणि सनत कुमार भी पधारे जिन्हें देखकर ये कन्याएं खड़ी नहीं हुई तब सनत कुमारों ने इन्हें श्राप दिया कि तुम जड़ की तरह बैठी रही ऐसे अहंकारी संसार में होते हैं तुम पृथ्वी पर जाकर जन्म लो और मानव बनो। यही तीनों कन्या में से एक मैना पार्वती जी की माँ बनी धन्या जानकी जी की माँ बनी और कलावती जो राधा रानी की माँ बनी। साध्वी ने कहा कि पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया और मैना और हिमालय ने भी माँ जगदम्बा को बेटी के रूप में प्राप्त किया। साध्वी जी ने बताया जिस तरह पूर्णिमा तक चंद्रमा निरंतर बढ़ता है उसी तरह दूज के चंद्रमा के दर्शन करने से निरंतर बढ़ोतरी मिलती है और समाज में खुशहाली भी आती है। कथा के दौरान पार्वती माँ का प्राकट्य उत्सव और शिव विवाह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रसंग के अनुसार जीवंत झांकियां भी सजाई गई। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने दोनों प्रसंगों में नृत्य कर खुशियां मनाई। कथा के दौरान नारी जनजागृति संस्थान के पदाधिकारी और सदस्यों ने भी जमकर नृत्य किया।